प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को स्मार्ट सिटी कानपुर में पलीता लगाया जा रहा है। शहर को हालात कुछ ऐसे हैं कि शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। सफाई का आलम यह है कि सुबह का कूड़ा शाम तक नहीं उठाया जा रहा है, जिससे कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं। इन कूड़े के ढेर पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जो कूड़े के ढेरों के सड़क पर फैला देते हैं, जिससे सड़क पर गंदगी फैल जाती है। इलाके में बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। की वजह से ट्रैफिक जाम, स्कूल के बच्चों में गंदगी, इधर ला कॉलेज है, हाइडेट है, एमजी कॉलेज है, इसकी कोई सुनवाई नहीं। दोपहर में जब स्कूल छूटता तब आता है कूड़ा उठाने के लिए, और उसकी वजह से कितनी गंदगी और जाम, नाली जाम, ये सब क्या हो रहा है। नगर महापालिका गलती नहीं उठवा रही, ना हटवा रही यहाँ से जल्दी। सड़क पर कूड़ा पड़ा रहने से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि रोड जाम हो जाता है और गंदगी होती है, आने जाने वाले उसमें मरीज भी पेशेंट भी होते हैं, उनको और परेशानी होती, दिक्कत का सामना होता है। बारिश में तो वो हालत हो जाती है कि रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है, कपड़ा लगा के चलना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो नगर निगम जिम्मेदार है, क्योंकि उसी के उसमें आता है ये, और वही स्वच्छ भारत बनाने की बात है, और यहाँ तो अस्वच्छ बन रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। झांसी नगर निगम शहर को स्वच्छ और स्वस्थ और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हीला हवाली पर अधिकारियों की नजर नहीं पहुंच रही है। हम बात कर रहे हैं सीपरी बाजार के आर्यकन्या चौराहे की, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पास में ही बने सार्वजनिक शौचालय की सफाई नहीं होती, यहां पर कूड़े का ढेर होने के कारण आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और आपस में लड़ते हैं, जिससे वहां निकलने वाले राहगीरों को भी चोटिल होना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि वहीं नगर निगम झांसी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिए कई प्रयास कर रही हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी मोहल्लों से कचरा लाकर यहां पर फेंक जाते हैं और यहां के दुकानदारों को बदबू का सामना करना पड़ता है। हाल ही में इस चौराहे पर मोबाइल शॉप का उद्घाटन करने के लिए महापौर रामतीर्थ सिंगल आए, उन्होंने भी इस कूड़े की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यापारियों में इस तरह की गंदगी को देखते हुए आक्रोशित हो रहे हैं। नगर निगम पूरी लापरवाही, नगर निगम चाहे तो रोज सवेरे सवेरे जितना कचरा डालता है उसको सफाई करवा दे, उसके चूना वूना डलवा के सफाई करवा सकती, लेकिन ऐसे चौराहों पे जहां जनता का आना जाना रोज है, जहां स्कूल बगल में लगा, हर बच्चे आते हैं इधर पढ़ते हैं लिखते हैं, बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसके बावजूद यहाँ कोई विशेष ध्यान रख रहा, उल्टा बच्चों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए, हमारा एक प्रयास है। ये कचरा डाला जाता है और ये छुट्टा जानवर जिनको पकड़ने की जिम्मेदारी भी नगर निगम विभाग को सौंपी गई है, और जब कचरा यहाँ डलता है तो छुट्टा जानवर यहाँ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, और जब लड़ते हैं तो रास्ते में जो राहगीर हैं, चलने वाले गाड़ियों से घोड़ों से निकलने वाले लोग हैं, वो भी चोटिल होते हैं, और कई शोरूमों में कई बार तो देखा गया कि दुकानों के अंदर ये जानवर लड़ते लड़ते घुस जाते हैं और व्यापारी का नुकसान कर देते हैं, चोटिल कर देते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि आप इस आवाज़ को हमारी नगर निगम तक पहुँचाएँ, जिला प्रशासन तक पहुँचाएँ, ताकि बीच चौराहे से, बीच सीपरी बाजार से स्मार्ट झांसी, स्मार्ट सीपरी बाजार को जो पलीता लगा रहा है ये कचड़े का ढेर, इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और साफ और स्वच्छ सीपरी बाजार को बनाया जाए।